हेलो गाइस, इस बार हम अली एक्सप्रेस के गैजेट्स के साथ जंगल में 24 घंटे गुजारने जा रहे हैं। तो हमने काफी अच्छे से बैग पैक कर लिया है और इसका वजन लगभग 15 किलो का है, लेकिन ये काफी आरामदायक है और बिना किसी मुश्किल के सारी चीजें इसमें आ गई और वो सब हम आपको आगे डिटेल में दिखाएंगे। हम किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पर कैंप लगाना चाहते थे, इसलिए हम इन जंगलों का लुत्फ उठाते हुए इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। पहाड़ी से नीचे उतरते हुए हमें जमीन में एक गुफा जैसा कुछ मिला। वैसे ये कोई सीधा या आसान रास्ता नहीं था, लेकिन हम इसको फिल्माना चाहते थे, इसलिए हम इस तरह नीचे गुफा में गए। लेकिन चिकनी फिसलाऊ पत्तियों की वजह से हम इसमें गिरते गिरते बचे। हमने इस गुफा को देखने का फैसला किया क्योंकि हम ये जानना चाहते थे कि ये गुफा कितनी गहरी है। हमें डब्बे में रखे हुए हेडबैंड लैंप्स की जरूरत है। फिर हम धीरे धीरे गुफा में जाने लगे। वैसे तो ये गुफा नहीं बल्कि एक गड्ढे जैसा लग रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने के बजाय ये सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि हमें डर नहीं लग रहा है तो ये झूठ है, क्योंकि वहां काफी उमस और अंधेरा था। अब ये दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तो ये आखिरी सिरा था जिसमें ढेर सारी मकड़ियां और पत्तियों में छिपती इन छिपकलियों से भरा हुआ था। गुफा के दूसरे हिस्से में एक छोटी सी जगह थी जो जमीन से लगभग 2 से 3 फ्लोर्स की गहराई तक जा रही थी। किसी इंसान के लिए उस जगह पर जाना काफी मुश्किल होगा और हम भी गुफा में रहने का मन बनाकर नहीं आए थे, इसलिए हमने जमीन के अंदर रहने के बजाय बाहर जाने का फैसला किया। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हमने एक खुली जगह को चुना जहां हम अपना कैंप लगाने वाले थे। ये जंगल के बीचों बीच बहुत से पेड़ों और खूबसूरत नजारों के साथ एक बहुत बड़ा घास का मैदान था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हमारा बैकपैक काफी मजबूत और आरामदायक है, इसमें काफी जेबें हैं और साथ ही सीने पर बांधने के लिए इसमें बेल्ट भी दी गई है। पीछे का हिस्सा भी काफी मुलायम है जिससे पीठ को काफी आराम मिलता है। इस घास के मैदान में हम अकेले नहीं थे क्योंकि अचानक मुझे कुछ दिखा। क्या आपने कुछ देखा? कुछ चल रहा था। क्या आप उसे अब देख पा रहे हैं? इसको देख पाना थोड़ा मुश्किल था। ये किसी तरह का हैमस्टर या चूहे जैसा लग रहा था। ये ठहर गया और इस उम्मीद में कि हम इसको नहीं देख पाए हैं ये चल भी नहीं रहा था। वहां पर 2 चूहे थे, लेकिन हम दूसरे को शूट नहीं कर पाए। हम उन्हें बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बैकपैक में टेंट और मैट मिली। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जंगल में जमीन पर रात गुजारना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। पहले तो हमने टेंट लगाने के लिए एक अच्छी सी जगह चुनी और वहां पर घास बिछा दी। टेंट को लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बैग पर दिए इंस्ट्रक्शन ने हमारा काम आसान कर दिया। वैसे तो टेंट चाइनीज था, लेकिन इसके पुर्जे काफी अच्छी क्वालिटी के थे। हमें इस टेंट को लगाने में सिर्फ 12 मिनट लगे। पहला दरवाजा खोलने पर कुछ गलियारे जैसी जगह थी जहां रात को हम अपने जूते, बैकपैक और या कुछ भी सामान रख सकते थे। ये 3 लोगों के लिए था, मतलब 3 लोग इसमें आराम से आ सकते थे, लेकिन अगर वो तीनों काफी नजदीक होकर सोए तो? वैसे मुझे लगता है कि इसमें 2 ही लोग आराम से आ सकते हैं। वैसे तो हम फिटनेस मैट पर ही सोते हैं, लेकिन वो बहुत चौड़ा और हल्का होता है। देखिए इन चाइनीज सामानों में हमारे पास लेटने के लिए क्या है। ये हवा वाला स्लीपिंग पैड है। इसमें हवा भरना काफी आसान था। इस बड़े चीज की मदद से हमने इसमें मुंह से ही हवा भर दी। देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें 2 अलग-अलग हिस्से थे। मान लीजिए अगर पैड किसी वजह से एक तरफ से कट भी जाता है तो दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको टेंट में लगाते ही हमें अपना बिस्तर मिल गया। मैंने सोचा इस पे सोना काफी आरामदायक रहेगा। सिर्फ इस स्लीपिंग पैड पर सोने में तो हमें काफी सर्दी लगेगी,
इसलिए हम ये कुकून जैसे दिखने वाला स्लीपिंग बैग भी लेकर आए थे। ये काफी हल्के मटेरियल से बना हुआ है। इसके अंदर चिड़िया के पंख भरे हुए हैं। इस बैग में रहने के लिए बाहर का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक बिस्तर तैयार हो गया। अब हम दूसरा बैग निकालते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में था, जो कि पिछले वाले बैग से थोड़ा अलग था। अगर आप इसकी चैन खोलेंगे तो आपको ये अंदर से काफी बड़ा और आरामदायक मिलेगा। ये इतना हल्का था कि ये हवा में आसानी से तैर सकता है। जब हमने स्लीपिंग बैग को टेंट में रखा तो हमने बाहर कुछ सरसराहट सुनी। ये वही चूहा था। हमने थोड़ा देखा तो पता चला कि वो एक गिरे हुए पेड़ के हिस्से में बने एक छोटे से बिल में रहता है। हमें उम्मीद थी कि जब हम सो रहे होंगे तो ये हमें परेशान नहीं करेगा। टेंट के अंदर सब कुछ बहुत आरामदायक था। पैड्स बहुत मुलायम थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने बेड पर ही सो रहे हों। हम जमीन पर नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए हमारे पास फोल्ड होने वाली कुर्सी भी थी। ये बहुत छोटी और हल्की थी। इस पे 90 किलो तक का आदमी आराम से बैठ सकता है। इसका ढांचा किसी खास तरह के एल्यूमिनियम से बना हुआ था। कुर्सी और दूसरी चीजों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वैसे ये भी एक काम की चीज है। ये एक छोटा सा मल्टी टूल है। इसमें प्लायर्स, स्क्रू ड्राइवर और एक छोटा सा चाकू है। साथ ही हमारे पास ये फोल्डिंग सॉ भी थी। ये काफी धारदार और छोटी थी। इसकी मदद से हम पूरी रात जलाने के लिए लकड़ियां तैयार कर सकते थे। लेकिन अगर आपको और भी छोटी आरी की जरूरत हो तो इसको चुनना बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाहरी सिरे पर दो छल्ले और बीच में आरी जैसा तार है। ये लकड़ी को थोड़ा धीरे धीरे काटता है, साथ ही जगह भी कम घेरता है। आप दो छोटी लकड़ियां लेकर उसको छल्ले में फंसा कर काम को और आसान बना सकते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, एक लंबी छड़ी ढूंढिए और छल्ले के आखिर में फंसाइए। आपको एक अच्छी आरी मिल जाएगी जो कि धनुष की तरह दिखती है। ऐसे आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। दिन का दूसरा पहर बीत चुका था और हम कुछ अच्छा सा खाना चाहते थे। इसके लिए हम छोटे से गैस बर्नर पर खाना बनाने वाले थे। हमने इसे एक गुब्बारे जैसे गैस सिलेंडर पर लगाया। अब इस पर हम अपना छोटा बर्तन रख सकते हैं। सबसे पहले हमने बर्तन में पानी डालकर आग पर रखा, फिर आलू छीले क्योंकि ये बाकी सब्जियों से ज्यादा देर में उबलता है। फिर हमने इसको पानी में डाल दिया। थोड़ी देर बाद हमने इसमें गाजर भी डाल दी। हमारे पास मछली भी थी और जैसा कि आप पहले ही समझ गए होंगे, हम मछली का सूप बनाने वाले थे। इसको खाने के लिए हमारे पास दो टाइटेनियम के चम्मच कांटे थे। ये बहुत हल्के लेकिन मजबूत थे। फिर हमने प्याज और सोया काटकर अजवाइन के साथ सब चीजों को बर्तन में मिला दिया। हमारे पास छोटी सी बोतल में खाने का तेल था। हमने उसमें प्याज तली। यह हमारे मछली के सूप को और बेहतर बना देगी। इसकी खुशबू कमाल की होती है। मुझे लगता है कि भुना प्याज किसी भी खाने को मजेदार बना सकता है। फिर हमने इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। हमारा सूप तैयार हो गया। ये बहुत ही मजेदार दिख रहा था। अब अंधेरा होने लगा और साथ ही सर्दी भी बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तापमान 0 डिग्री होने वाला है, लेकिन हमें ये पता नहीं था, इसलिए हम इसके लिए तैयार नहीं थे। अपने पैरों को गर्म रखने के लिए हमने इन पैचेस का इस्तेमाल किया, जो खुलने के बाद हवा से रिएक्ट करेगा और कुछ घंटों के लिए गर्मी देगा। वाह, हमें 10 मिनट बाद ही फर्क महसूस होने लगा। हमें ये रियूजेबल माचिस भी काफी पसंद आई, जिसे कई बार जलाया जा सकता है। यहां पर वीडियो का पहला पार्ट खत्म हो रहा है। ये वीडियो थोड़ी लंबी थी, इसलिए हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया है। अगला हिस्सा हम बाद में अपलोड करेंगे। दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। उसमें हम दिखाएंगे कि हमने जंगल में हजारों चुनौतियों को पार करते हुए पूरी रात कैसे बिताई।